नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत ही रिच बना चुका है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करके वो बहुत बड़े मिलेनियर बन चुके हैं। आज वैसे स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी ये स्टॉक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कहीं आपका मौका जो है इस स्टॉक में बाइंग करने का छूट ना जाए। हम इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स के बारे में कि आपको इस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, आपको कब बाय करना चाहिए, कहीं आपका मौका छूट तो नहीं रहा है इस स्टॉक में बाइंग का। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में हम शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। तो चलिए, हमारा जो स्टॉक है वो है टाइटन कंपनी। दोस्तों टाइटन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ₹3 से भी कम का ये स्टॉक्स हुआ करता था 2002 में, और इसी में राकेश झुनझुनवाला जी ने एक अपना इन्वेस्टमेंट किया और एक लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने होल्ड किया। और अभी आप समझ सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी कितने बड़े, मतलब कितने रिच इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो यही वो स्टॉक्स है जिन्होंने कि राकेश झुनझुनवाला जी को एक बहुत ही रिच पर्सन बनाया है। और इस स्टॉक का आप रिटर्न देख लीजिए, चलिए हम यहां से आपको रिटर्न दिखाते हैं, ये स्टॉक्स कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहां पर आप देख लीजिए कि ये हमारा 47,000% का रिटर्न दिया है। समझ सकते हैं 47% का रिटर्न 2002 से लेके 2020, मतलब 18 साल में 47,000% का रिटर्न। सिर्फ आप इतना ही देख रहे हैं, इतना ही नहीं रिटर्न है, क्योंकि ये 2011 में बोनस और स्प्लिट भी दिया है। जब बोनस और स्प्लिट का जो मैजिक है, बोनस और स्प्लिट का जो मैजिक है, इसमें जब आप लगा देंगे तो ये लगभग 10,00,000% का रिटर्न, 10,00,000% का रिटर्न। आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 10,00,000% का रिटर्न मिला हो? कभी नहीं। ये मुश्किल है आपको प्रॉपर्टी और गोल्ड में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना। लेकिन स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहां आपका ₹1,000 भी कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है। जैसे इसमें देखें आपने 10,00,000%, मतलब ₹1,000 भी अगर आप लगाए होते, ₹1,000, तो समझ सकते हैं 10,00,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस ₹1,000 को, तो आपका कितना बड़ा अमाउंट वो हो गया होता। इसलिए कह रहे हैं वैसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, जिसमें आगे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो। तो इसका बिजनेस क्या है? इसका बिजनेस है फैशन का, ज्वेलरी का। तो समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी और आई वियर, ये सारे बिजनेस है जिसमें अभी आगे भी ग्रोथ संभव है। अभी इसमें क्यों करेक्शन देखने मिल रहा है? क्योंकि जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसके कारण इनके बहुत सारे शॉप क्लोज्ड हैं। तो जैसे लॉकडाउन हटता है, इनके शॉप्स ओपन होंगे, स्टोर ओपन होंगे, वैसे ये कंपनियां फिर आपको इस प्राइस पे मिलना मुश्किल है। इसीलिए अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 5% का एक दिन में। जैसे न्यूज आता है कि शॉप्स ओपन हो रहे हैं इसके, जैसे लॉकडाउन में न्यूज आता है कि ढील दिया जा रहा है, वैसे ही इस कंपनियों में तेज़ी देखने मिलता है, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के कारण जो इनके स्टोर्स क्लोज्ड हैं, शॉप जो क्लोज्ड हैं, उसके कारण से इसमें आपको गिरावट देखने मिल रहा है। इसका 52-week हाई देखेंगे तो देखते हैं 1389 रुपीज़, मतलब 1400 का ये स्टॉक्स हुआ करता था, जो आपको मात्र अभी 900 रुपीज़ में मिल रहा है। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसे स्टॉक्स जो आपको इतना ज़्यादा करेक्शन पे, समझ सकते हैं 500 से भी एवब का करेक्शन पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं 52-week लो 720 रुपीज़ तक ये स्टॉक आ चुका था, मतलब 50% करेक्शन तक। ऐसे स्टॉक पर कौन नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको करेक्शन में मिलता है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। चलिए हम इसके सारे फंडामेंटल्स और सारे डिफरेंट मीटर्स को देख लेते हैं। तो हाँ देख लीजिए, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जो हमारा स्प्लिट हुआ है 10:1 में, मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू से 1 रुपीज़ में, मतलब आपको एक शेयर पे 10 शेयर फ्री दिया गया 2011 में। बोनस भी 2011 में देखने मिल रहा है, देख सकते हैं 1:1 का, मतलब 10 शेयर स्प्लिट के रूप में मिला और उस पर फिर बोनस 1:1 का, तो 20 शेयर हो गया, मतलब एक शेयर से डायरेक्ट आपका शेयर 20 हो गया। तो समझ सकते हैं आपका जो रिटर्न है वो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए NSE की वेबसाइट पर इसका जो कारोबार है पिछले ट्रेडिंग डे में, मतलब आज के दिन
892 पर क्लोज हुआ है, 42.65 रुपये ये अप है, मतलब 5% का तेज एक दिन में देखने मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो 720 रुपीज़, हाई तो आपने देख लिया 1389 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए अगर टोटल क्वांटिटी जो आज डिलीवर हुई है 33% क्वांटिटी डिलीवर हुई है, कुल क्वांटिटी यहाँ जो ट्रेड हुई देख सकते हैं 56 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 लाख है, 18 लाख क्वांटिटी डिलीवर हुई है, 33% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। समझ सकते हैं इतना प्राइस में जो है मोमेंटम आने के बाद भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी डिलीवर हुई है। अब हम चलते हैं इसके आगे के कारोबार को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका रिजर्व है, यहाँ पर टाइटन कंपनी लिमिटेड, यहाँ देख सकते हैं रिजर्व है कंपनी का 6000 करोड़ का, देख सकते हैं। लेकिन कंपनी के पास डेप्ट भी है, देख सकते हैं 2287 करोड़ का, लेकिन रिजर्व इस कंपनी के पास इस डेप्ट के 3 times है, तो कभी भी अपना डेप्ट रिमूव कर सकती है अपने रिजर्व से। उसके बाद और चीज़ भी देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस भी 1000 करोड़ का है, तो इसलिए कंपनी के पास जो डेप्ट है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जिस ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के पास जो फंडामेंटल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके जो पेरेंट कंपनी है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कैश और रिजर्व, कैश देख लीजिए, बैंक बैलेंस देख लीजिए, रिजर्व देख लीजिए, कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे में इसके पास डेप्ट कुछ भी मामले मायने नहीं रखता है, इतना डेप्ट ये कभी भी रिमूव कर सकता है। अब आप समझिए ऐसे स्टॉक्स आपको अगर मिलते हैं करेक्शन पे तो क्या चाहिए, ऐसे स्टॉक्स आपको नहीं खरीदना है तो कौन से स्टॉक्स खरीदना है, तो ऐसे स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें जो इसमें आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो, जो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देता हो, साथ ही साथ इसमें आपको डिविडेंड भी देखने मिलेंगे। चलिए आपको डिविडेंड दिखाते हैं, ये कंपनियाँ लगातार डिविडेंड भी देते आई है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ का डिविडेंड, फिर नीचे क्लिक करते हैं तो देखिए 3.75 रुपीज़ का डिविडेंड, तो डिविडेंड भी हर साल ये कंपनियाँ देती है, तो उम्मीद करते हैं ये कंपनियों में आपको इन्वेस्ट किस लेवल पे करना है ये आपको बता देते हैं। देखिए अभी जैसे इसमें तेज़ी देखने मिल रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर लॉकडाउन में इजी आ जाता है, सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, फिर ये स्टॉक्स आप बाय नहीं कर पाएंगे इस लेवल पे। लेकिन अगर लॉकडाउन आगे मतलब मार्केट में करेक्शन आता है तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, ये आपको 800 या 850 के आसपास मिलता है, तो आप इसमें पहला इंस्टॉलमेंट ज़रूर लगा दें, फिर इसमें करेक्शन आता है तो हर वीक करेक्शन पे आप इसमें इन्वेस्ट कर देते जाएँ SIP मोड में, और फिर लॉकडाउन जैसे ख़त्म होते हैं, सिचुएशन नॉर्मल होते हैं, तो इस कंपनियों में आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इस कंपनी को फिर पकड़ भी नहीं पाएंगे, इतना तेज़ मोमेंटम इसमें देखने मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, हम आपको आगे भी बताते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।